गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के इस व्याख्यान वाला में मैं आप सबका स्टूडेंट्स एवं विद्वान फैकल्टी मेंबर्स का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का विषय MDS यूनिवर्सिटी के BSc थर्ड ईयर के जूलॉजी के फर्स्ट पेपर का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है, सांपों से संबंधित, सांपों को लेकर समाज में व्याप्त अंधविश्वास पर, सुपरस्टिशंस पर। तो सांपों को आप जानते हैं कि इन दिनों बारिश का मौसम है और स्नेक जो कि एक बहुत ही शर्मीला और गरीब प्राणी है, खेतों में, घरों में, गली मोहल्लों में, संस्थानों में, बारिश में क्या होता है, इनके बिलों में पानी भर जाता है और ह्यूमिडिटी बढ़ जाने की वजह से ये बेचारा गरीब प्राणी बिलों से बाहर आ जाता है और ये मनुष्य को देख करके अपने आप को छुपाने की कोशिश करता है, परंतु होता उल्टा है। जैसे ही मनुष्यों की निगाह इस पर पड़ती है तो सभी सांपों को जहरीला मान करके मार दिया जाता है। इसके विपरीत सांपों को लेकर कुछ भ्रांतियाँ भी हैं। सांपों को देवता के रूप में पूजा जाता है, उसका कारण यह है कि सांपों का संरक्षण करना है। असल रूप में सांप जो होते हैं ये मनुष्य के फ्रेंड हैं। कैसे फ्रेंड हैं? क्योंकि ये कृषि कार्य के लिए जो हमारे अनाज हैं, कृषि उत्पाद है, उनको चूहों द्वारा खा लिया जाता है। चूहे हमारे अनाज को चट कर जाते हैं। एक बहुत बड़ी कृषि उत्पाद की राशि चूहों द्वारा नुकसान पहुंचा दी जाती है। तो ये सांप हमारे इकोसिस्टम के एक बहुत अभिन्न अंग हैं और फूड चेन में ये चूहों का भक्षण करते हैं। तो इन सांपों के कारण चूहों की संख्या नियंत्रित रहती है और इस कारण हमारे कृषि के उपज को हानि पहुंचाए जाने से बचाया जाता है, जिससे कि एक ये किसान के मित्र के रूप में माने जाते हैं। सांपों को लेके कुछ भ्रांतियाँ भी हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि एक मदारी जो कि सांप के सामने बीन बजाता है तो सांप नाचता है। आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप जानते हैं जूलॉजी के विद्यार्थी, सांपों के कान नहीं होते हैं। सांप के अंदर इंटरनल ईयर होता है, अंतःकरण होते हैं, जो कि पृथ्वी के क्यों होते नहीं, इसके कारण, इसके कान न होने का कारण क्या है? क्योंकि सांप भूमिगत प्राणी है, बिलों में रहने वाला प्राणी है, चूहों के बिल में रहता है, ये चूहों को खाता है और उन्हीं के बनाए हुए बिलों में अपना वास करता है। तो ज़मीन के अंदर चूँकि रहता है, गहराई में रहता है, इसलिए वहाँ पर सुनने की आवश्यकता ही नहीं है। ये संवेदनाओं को वाइब्रेशन से, ध्वनि तरंगों से, ज़मीन के ऊपर ध्वनि के जो हलचल होती है उसको ग्रहण करके, और दूसरा इसकी जो विजन है वो इंफ्रारेड वेवलेंथ को देखने में सक्षम होती है। तीसरी बात, स्नेक्स अपने शिकार को थर्मल रेडिएशंस के द्वारा पहचानते हैं, देखते हैं। तो ये सुनते नहीं हैं, और बीन जब मदारी घुमाता है, बजाता है हुआ, तो आपको या हम सबको उसकी ध्वनि सुनाई देती है बीन की। सांप सुनता नहीं है, सांप उसके मूवमेंट को देख कर डरता है और डर करके उसके बचाव के लिए जिस जिस दिशा में वो बीन को घुमाता है उस दिशा में स्वयं घूमता है, स्वयं के बचाव के लिए घूमता है।
तो एक तो ये भ्रांति दूर करने की है। दूसरी चीज़ ये कि सांप को जब दूध पिलाते हैं मदारी या मंदिरों में धार्मिक स्थलों पर, तो वो दूध पी लेता है। ऐसा कुछ नहीं है, सांप के शरीर में दूध को पचाने वाले एंजाइम्स नहीं पाए जाते हैं। सांप जब बहुत प्यासा होता है तो सांप के सामने दूध रखा जाता है तो वो अपनी प्यास बुझाने के लिए पीता है दूध को, न कि दूध को दूध समझ के पीता है। तो दूसरी भ्रांति ये मन से निकालने की है। तीसरा अंधविश्वास ये है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि जिस जगह धन गड़ा होता है वहाँ सांप बैठा होता है, ये बिल्कुल ही गलत बात है। धन का सांप से कोई लेना देना नहीं है। ये कोइंसिडेंस की बात है कि पुराने ज़माने में बैंक नहीं थे, तो जहाँ जिसके पास जो धन होता था वो खेतों में मकानों के अंदर गाड़ के रखते थे, और मकानों में चूहे होते हैं, खेतों में चूहे होते हैं, वो बिल वहाँ तक पहुँचा देते हैं जहाँ आपका धन रखा होता है। और ये सांप उस बिल में रहने वाला बिलकारी प्राणी है, बिल में वहाँ तक चला जाता है जहाँ वो तथाकथित धन रखा हुआ होता है। भाई देवे खुदाई में धन निकलता है और तो उस बिल में सांप होते हैं तो सांप सामने आ जाते हैं। तो लोगों ने ये बात एक बना दी कि सांप सांप के ऊपर धन के ऊपर सांप बैठा होता है, ऐसा गलत है। धन से सांप का कोई लेना देना नहीं है। और दूसरी बात यह है कि पुराने समय से ही सरीसृप या रेप्टाइल्स संभवतः संसार में सबसे अधिक डरावने समझे जाने वाले और सर्वत्र घृणित माने जाने वाले जंतु रहे हैं। विशेष रूप से सर्प सबके घृणा के पात्र हैं। क्यों रहे हैं? क्योंकि ये फिसलनदार स्लिपरी जिसको कहते हैं तथा रेंगने वाले जंतु मनुष्य को चंद सेकंडों में ही अपने विष से स्वर्ग भेज देते हैं। और इनमें विष क्यों पाया जाता है? सांपों की सुरक्षा के लिए, अपने स्वयं के आत्मरक्षार्थ तथा अपने शिकार को अवचेतन करके उसका शिकार करना, क्योंकि सांप जो है चबा के नहीं खाता है, अपने शिकार को निगलता है, साबुत निगलता है। इसके मुंह में ऐसे टीथ नहीं होते जिनसे कि ये अपने शिकार को चबा करके खाए, टुकड़े करके खाए, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए सांप क्या करता है, जीवित जीव को निगलता है, तो जीवित जीव को अचेत करने के लिए ये विष पाए जाते हैं। और यह भी सही है कि विषैले सर्पों का डसना कभी कभी घातक होता है, परंतु उनमें से अधिकतर हानि रहित बल्कि मनुष्य के लाभदायक होते हैं। दुर्भाग्यवश होता क्या है कि सांपों के प्रति हमारा अधिकतर भय मात्र अज्ञान और निराधार अंधविश्वासों पर, ब्लाइंड फेथ पर, अंधविश्वासों पर आधारित है। एक रोचक भ्रांति तथा कथित एक कहानी गढ़ी गई है, कहानी सुनने को मिलती है कि कुछ सांप इच्छाधारी सांप होते हैं। एक रोचक भ्रांति इनके बारे में विकसित हो गई है जो कि इच्छाधारी सर्पों के संबंध में है, जो इच्छानुसार सांपों से मनुष्य में अथवा उल्टे मनुष्य से सांप में परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसा कोई इच्छाधारी सांप नाम की चीज़ नहीं होती है। सांप सांप ही रहेगा, मनुष्य मनुष्य ही रहेगा। न तो मनुष्य सांप में परिवर्तित हो सकता है और न सांप मनुष्य में परिवर्तित हो सकता है। तो ये इच्छाधारी सांप वाली बात बिल्कुल ही नितांत गलत है, इसको समाज से निकालना चाहिए, अंधविश्वास है। जैसा कि प्रायः भारतीय सिनेमा द्वारा चित्रित किया जाता है, यह भी एक त्रुटिपूर्ण एक गलत अंधविश्वास वाली अवधारणा है कि सांप या सर्प नाग को मारने वाले व्यक्ति का बिंब मृत सर्प जो होता है उसके दृष्टि पटल पर, उसके रेटिना पर छप जाता है, और उसका साथी जो होता है वो
आके उसके रेटिना में जिस व्यक्ति ने उस सांप को मारा है उसकी छवि को देख लेता है, पहचान लेता है, और फिर जाके वो उसका जो साथी है उस सांप को मारने वाले व्यक्ति को डस लेता है। ये गलत बात है। ये भी बात अपने सबसे समाज से निकालनी है कि सांप को मारने वाले व्यक्ति का बिंब मृत शरीर के दृष्टिपटल पर छप जाता है, ताकि सांप का जीवित साथी आसानी से हत्यारे को पहचान सके और बदला ले सके। तो देखिए, ना तो सांप के रेटिना पर सांप को मारने वाले की कोई पिक्चर बन के प्रिजर्व होती है, और न ही बेचारे सांप निरीह प्राणी हैं और ये ना कोई बदले की भावना रखते हैं। और यह भी कहा जाता है कि कुछ अनुष्ठानों मतलब रिचुअल्स के कारण करने में उसी सर्प को जिसने पहले किसी व्यक्ति को काटा था शारीरिक रूप से प्रकट होने और उसे पीड़ित व्यक्ति के शरीर में अपना विष चूसने के लिए बाध्य किया जा सकता है, जिससे वह व्यक्ति तुरंत ठीक हो जाता है। यहाँ तक कि अमेरिका में भी एक रहस्यमय चक्रवाल सर्प होता है, जो ऐसा एक सांप पाया जाता है जिसको रहस्यमय मानते हैं, और उसका नाम है चक्रवाल सर्प, हूप स्नेक या चेतक सर्प, वाइप स्नेक में विश्वास करते हैं ये लोग अमेरिकन्स, जो अपने दुम के सिरे को मुंह में पकड़कर एक पहिया या चक्र बना सकता है, जिसमें या जिससे किसी व्यक्ति के पीछे लुढ़क सके और पीठ में वार कर सके। यह किसी व्यक्ति का सीढ़ियों पर भी पीछा कर सकता है। यह एक अन्य सर्प पशुओं को दुहने के लिए भी प्रसिद्ध है। तो होता क्या है कि ये जो सांप है जब बहुत भूखा होता है तो अपनी पूंछ को ही दूसरा शिकारी सांप मतलब अपना शिकार समझ के उसको निगलना शुरू कर देता है, और इसलिए चक्र बन जाता है। बात को ध्यान से समझिएगा, सांप को जब कभी शिकार नहीं मिलता है तो वो अपनी ही पूंछ को दूसरा सांप समझ के अपनी ही पूंछ को निगलना शुरू कर देता है, और होता क्या है कि उसके मुख से उसकी पूंछ उसके शरीर में अंदर निगल ली जाती है और एक वो गोल बन चक्कर सा बन जाता है, और फिर वो लुढ़कना शुरू कर देता है पहिए की तरह। इसलिए उसको चक्रवाल सर्प के रूप में जानते हैं या माना जाता है। चक्रवाल सर्प इसीलिए इसको कहते हैं, जो अपनी दुम के सिरे को मुंह से पकड़कर एक पहिए या चक्र बन सकता है, जिसमें किसी व्यक्ति के पीछे लुढ़क सके और पीठ में वार कर सके। यह किसी व्यक्ति का सीढ़ियों पर भी पीछा कर सकता है। एक अन्य सर्प पशुओं को दुहने के लिए प्रसिद्ध है। कुछ सर्प पक्षियों का सम्मोहन करने वाले माने जाते हैं, और यह बताना अनावश्यक होगा कि इनमें से कोई भी अंधविश्वास वास्तविक तथ्यों पर आधारित नहीं है। ये सारी मनगढ़ंत लोगों द्वारा फैलाई हुई भ्रामक बातें हैं जो सांपों को लेकर के है, जो ये ध्यान रखने की है। और यह एक विषय प्राणी शास्त्र के जूलॉजी के BSc थर्ड ईयर के फर्स्ट पेपर में सम्मिलित है, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। इसमें आप डायग्राम में भी आप देखें सांप के पॉइजनस स्नेक टीथ बताए गए हैं, पॉइजन टीथ हैं जो कि इंसाइजर्स हैं, और इनके अंदर पॉइजन ग्लैंड दिखलाई हुई है। तो सांप एक निरीह प्राणी है, सिलेंड्रिकल प्राणी है, जिसके अंदर हाथ पांव भी नहीं होता है, और ये बेचारा प्राणी अपनी रक्षा के लिए
इसके अंदर जो विष पाया जाता है इससे अपने शिकार को मार करके निगलता है, और ना तो कोई इच्छाधारी सांप होता है, ना कोई चक्रवाल सांप होता है, ना ये किसी पक्षी को सम्मोहित करता है, ना ये धन के ऊपर पाए जाते हैं, ना ये दूध पीते हैं, और न ही किसी सांप को सुनाई देता है। तो ये बीन की आवाज़ के ऊपर नाचते भी नहीं है। तो ये सारी कुछ रोचक बातें थीं जो मैंने आपसे शेयर किया है, और समाज में व्याप्त अंधविश्वास, इसके ख़िलाफ़ आप समाज में चेतना लाएं। थैंक यू वेरी मच।